योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को बड़ी चोट दी है। देश में कट्टरपंथियों और जिहादियों की मानसिकता को कुचलने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाबा योगी ने भी अब इस मामले में अपने हाथों में कमान ली है और मुस्लिम समुदाय के बच्चों के मन में जहर भरने वाले मदरसों को करारा झटका दिया है। असम की सरकार ने 2020 में मदरसों को सामान्य शिक्षण संस्थानों में बदल दिया था और अब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि इन संस्थानों के बच्चों की स्थिति पहले से बेहतर है। तो वहीं यूपी सरकार ने एक अहम फैसला लिया था जिसमें मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत अब TET पास शिक्षक ही मदरसों में शिक्षक के तौर पर भर्ती किए जा सकते थे। साथ ही सरकार मदरसों में दीनी तालीम को कम कर अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर फोकस कर रही थी। सरकार ने निर्णय लिया कि मदरसों में 20% दीनी शिक्षा और 80% आधुनिक शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अब मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए रखे गए शिक्षकों को राज्य सरकार भी अतिरिक्त मानदेय नहीं देगी। बता दें कि केंद्र पहले भी इसे बंद कर चुका है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा ने यह सूचना सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेज दी है। मानदेय को लेकर आधुनिक विषयों के शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे। पिछले दिनों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने उनके मानदेय को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा करने की बात कही थी, लेकिन अब इस पर योगी सरकार का फैसला आ गया है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि अतिरिक्त मानदेय को लेकर 28 नवंबर 2016 को जारी शासनादेश में शर्त थी कि राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय तभी तक देगी जब तक केंद्र से इन शिक्षकों को मानदेय मिलता रहेगा। केंद्र द्वारा मानदेय बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय देने की व्यवस्था भी समाप्त मानी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके बाद इस योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति भी नहीं जारी होगी। केंद्र सरकार से इस योजना को 2021-22 तक ही स्वीकृति मिली थी, उसके बाद से केंद्र ने इन शिक्षकों के लिए मानदेय भी जारी नहीं किया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से कहा गया कि शासन के निर्देश से ही इस मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्र सरकार की है। इसमें 1993 और 94 में शुरू किया गया था। इसमें मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए यूपी में करीब 25,000 टीचर्स रखे गए थे। योजना के तहत तैनात ग्रेजुएट टीचर्स को 6,000, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को 12,000 रुपए हर महीने दिया जाता था। 2016 में प्रदेश सरकार ने भी इसमें 2,000 रुपए और 3,000 रुपए प्रति महीने का अतिरिक्त मानदेय अपनी ओर से देने का निर्णय लिया। यानी स्नातक शिक्षकों को, यानी कि ग्रेजुएट टीचर्स को 8,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 15,000 इसमें मिलने लगे। अब जो जानकारी आई है उसके हिसाब से 93-94 से चल रही मदरसा आधुनिकीकरण योजना जो कि केंद्र सरकार की थी, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के लिए जो शिक्षक रखे गए थे 2008 में इस स्कीम में, फॉर प्रोविजनिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा के नाम पर चलाए जाने लगा। इस स्कीम के तहत 25,000 शिक्षकों की भर्ती कर ली गई थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ग्रेजुएट टीचर्स को 6,000 और मास्टर्स को 12,000 दिए जाते थे। 2016 में समाजवादी पार्टी ने इसमें 2,000 और 3,000 प्रतिमाह मानदेय अपनी ओर से देने का निर्णय ले लिया। इसके बाद से ग्रेजुएट मदरसा टीचर्स को 8,000 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को 15,000 का मानदेय दिया जाने लगा, जिस पर अब योगी सरकार ने इन शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगाकर इन्हें एक बड़ा झटका दिया है। योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।